हम बच्चों को बड़े बुरे तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। तेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, तेरे 66 क्यों आए हैं, यहां तक तो ठीक है, उसके 92 आए हैं, ये गलत है। दिस क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन इन अ चाइल्ड, एंड फ्रस्ट्रेशन इज द रूट ऑफ एंगर, इज द सीड फॉर एंगर। कभी भी नोट करना, जब आपको गुस्सा आता है, बाहर तो बाद में आता है, पहले अंदर आता है, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो अंदर ही अंदर पनप रही होती है कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, फिर वो एंगर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो एंगर एक्सप्रेस होता है। तो डू यू वांट योर चाइल्ड टू बी फ्रस्ट्रेटेड? नो, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिप्रेशन। अगर फ्रस्ट्रेशन है और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, एक्सप्रेस कर दिया तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, दोनों ही तरफ से फंसे। तो ऐसा कैसे हो कि वो फ्रस्ट्रेशन ना आए? बच्चों को कंपेयर करने से पहले हमें अपने आप को शीशे में देखना है और अपने आप से सवाल पूछना है कि अगर वो बच्चे हमें कंपेयर करें तो हमें कैसा लगेगा। सेम जैसे हम बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही, यानी कि उसी स्कूल में जहां पे आपके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर एक बुक हो पेरेंट्स के लिए और आपको बोला जाए रट लो इसको। आप गए वहां पे साल में एक दिन, एग्जाम देकर के आए, 100 में से नंबर आ रहे हैं 40 और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो मेरी तो नाक कटवा दी मेरे बाप ने, उनको देखो और आपके मुंह पे हा करके बोल रहे हैं, ये क्या किया, ये स्पेलिंग मिस्टेक, और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाओ। हो सकता है आपके नंबर कम आए, किसी और के बहुत ज्यादा आए, क्योंकि वो रटू तोता है या तोती है, उसके आए 98% पेरेंटिंग के सब्जेक्ट में, और वो तोता है, वो एक्चुअली बिल्कुल बेकार पेरेंट है, बस रट लिया है उस पूरी की पूरी किताब को, और आप एक बहुत ही अच्छे पेरेंट, मतलब पेरेंटिंग की जो भी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब आपके अंदर है, लेकिन आपके नंबर आए 40 यानी फेल। तो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर क्या ठप्पा लग गया कि आप एक खराब पेरेंट, आप अच्छे पेरेंट नहीं हो। कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी ना। ऐसे ही बच्चे, अरे बच्चों में क्या पावर्स हैं, एक एक बच्चे के अंदर, अगर आप अपने लिमिटेड थॉट्स को छोड़ करके, अपना जो एक्सपीरियंस है चिंदी सा, अपनी जो नॉलेज है उसको छोड़ करके एक्चुअल में उस बच्चे को देखो, हर बच्चे के अंदर कुछ कमाल की चीजें होती हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसको एक लिमिटेड दायरे में फंसा करके उसके बेस पे उसको जिंदगी भर के लिए उसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं कि तेरे नंबर कम आए इसका मतलब तू बेवकूफ है, उसके नंबर ज्यादा आए तो वो जीनियस है। जीनियस का नंबरों से क्या कनेक्शन है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से? सब एग्री कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोग ही अगर इतना करना शुरू कर दो, यानी कि एक कसम खा लो कि मैंने चाहे कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को किसी और के साथ में कंपेयर नहीं करना है ना उसको। अब यहां पे ना दो गलतियां हम करते हैं, या तो अपने बच्चे को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैटरी, या फिर उसको नीचे गिराते हैं, दोनों ही काम नहीं करने हैं। फ्लैटरी मतलब क्या? एप्रिसिएशन और फ्लैटरी में हमको फर्क पता है। एप्रिसिएशन मतलब क्या? बच्चे ने कुछ अच्छा किया, हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, जितना किया उतना ही कर रहे हैं, और अगर उसने कुछ गलत किया तो अकेले में बैठ करके आराम से उसको वो किया, ये नहीं कि उसका बहुत बड़ा इशू बना दिया। सर, कंपेयर और कंपटीशन, सर इन दोनों में डिफरेंस? देखिए, वेयर देयर इज कंपटीशन देयर हैज टू बी कंपैरिजन। कंपटीशन इज कंपैरिजन। व्हाट इज कंपटीशन? रेस। रेस में कोई जीता कोई हारा, दैट इज कंपैरिजन। जो जीता वो विनर, जो हारा वो लूजर। तो जहां पर कंपटीशन है वहां पे कंपैरिजन है, यानी बाहर की दुनिया में हर तरफ कंपटीशन है, कंपैरिजन है, लेकिन अंदर से आप ना अपने आप को किसी से, और ये तभी हो सकता है आप अपने बच्चों को कंपेयर ना करो जब आप खुद अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करते। जब तक आप खुद को किसी और से कंपेयर करना बंद नहीं करते तब तक आप अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर करना बंद कर ही नहीं सकते। आपको समझ आना चाहिए कि आई एम यूनिक, ऐसे ही मेरा बच्चा भी यूनिक है। अगर इतनी सी बात हमको पकड़ में आ जाए तो भाई बढ़िया हो जाएगी, आपकी भी और आपके बच्चे की भी।